हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अगम छावड़ा। दोस्तों मेरे सामने आज गाड़ी खड़ी है होंडाई की i20 स्पोर्ट्स मॉडल वाली। भाई इसके ओनर भी आज हमारे साथ हैं, हिमांशु भाई। तो भाई इस गाड़ी को लेना 2023 में वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा, या भाई ने ये गाड़ी क्यों ली? भाई पहले वेलकम मेरी वीडियो में आपका, और थैंक यू हमारे पास आने का अपनी गाड़ी का रिव्यू देने के लिए। और बताओ भाई, पहले बताओ गाड़ी ली कितने टाइम पहले? ये मैंने ऑलमोस्ट एक महीना पहले ली थी। एक महीना हो गया। तो यार गाड़ी लेने जब गए थे आप, ठीक है, तो यार इतनी प्रीमियम हैचबैक आ चुकी है मार्केट में, जैसे फ्रॉन्क्स भी आ गई है, ठीक है, थोड़ी हैचबैक या क्रॉसओवर आप कह सकते हो उसको, बलिनो आ गई है, ठीक है, अल्ट्रोज आती है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं देखी? ग्लेंजा भी आती है उसी में ही एक। तो i20 का ये मन कैसे बना लिया भाई? देखो मेरा i20 लेने का रीज़न था, रीज़न ये था कि इस बजट में मुझे काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी मिल रही थी। अच्छा। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, क्रूज कंट्रोल भी है, और इसमें आपका स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो तो चलो है ही है, सब ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में थी, मतलब ओवरऑल मुझे ये अच्छी लगी। एंड ऐसा नहीं कि मैंने और गाड़ी नहीं देखी, मैंने और गाड़ी भी देखी थी, मैंने ग्लेंजा देखी थी, और मुझे ग्लेंजा चलाने में बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। उसमें जो उसकी इंजन नॉइस है नेक्स्ट टू जीरो, आप साथ में भी खड़े हो जाओगे, गाड़ी चल रही होगी आपको पता नहीं लगेगा कि गाड़ी ऑन है कंट्रोल। इसमें थोड़ा बहुत पता लगता है गाड़ी ऑन है, क्योंकि और मेरे को मेरा वो ना लेने का रीजन ये था कि उसकी एनकैप सेफ्टी रेटिंग अब तक आई नहीं थी सही से, और जहां पे भी मैंने देखा था उसकी लास्ट टाइम की रेटिंग्स भी अराउंड जीरो के आसपास ही थी, तो मेरे को थोड़ा सा सेफ्टी का इशू था। एवरेज भी उसकी अच्छी है और ड्राइव क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, बट मुझे थोड़ा सेफ्टी का इशू था, तो मैंने ये i20 ली थी। इसकी 3-स्टार एनकैप रेटिंग थी, तो मुझे थोड़ा सा था कि ये वाली लेनी है। तो इंजन की नॉइस की बात करी मानशु भाई, कितनी इंजन नॉइस है यार इतना? मतलब होंडाई कहती है हम बड़ा रिफाइन इंजन बनाते हैं, तो आपको लगा इसमें थोड़ी इंजन की नॉइस आ रही है आपको? पेट्रोल इंजन है ये भी बता दें। हाँ, पेट्रोल इंजन है, नॉइस इतनी भी ज्यादा नॉइस नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ बलेनो से, ग्लेंजा से, अच्छा कंपैरेटिवली वॉइस है। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा भाई, आपने सेफ्टी की भी बात कर दी, 3 एनकैप रेटिंग इसको मिली है, तो भाई अल्ट्रोस 5 स्टार रेटेड क्यों नहीं लिया आपने? अल्ट्रोस जो थी ना, अल्ट्रोस भी मैंने ड्राइव करी थी, अल्ट्रोस 3 सिलेंडर इंजन है। अच्छा, 3 सिलेंडर इंजन, हाँ, ये बात है। मैंने इसलिए नहीं ली, ये 4 सिलेंडर आपको लेनी पेट्रोल वाली थी? मुझे पेट्रोल लेनी थी, 4 सिलेंडर लेनी थी, और क्या बोलते हैं, थोड़ी सेफ्टी भी देखनी थी एनकैप रेटिंग के हिसाब से, तो मेरे को ये समझ में आई गाड़ी। और भाई कुछ बताओ, एक बात और बताओ, ये किस बजट में आपने लिया है स्पोर्ट्स मॉडल, आपने कितने में लिया ये? ये मेरे को पड़ा था 8,70,000 का। 8,70,000 का, यार थोड़ी महंगी नहीं है गाड़ी? आपने सस्ते में ले ली थोड़ी लगता है मुझे। नहीं, हमारे यहाँ पे है थोड़ा बहुत डिस्काउंट, ज्यादा नहीं था, बट मेरे को उस टाइम नीड भी थी, मुझे अर्जेंट थी थोड़ी गाड़ी लेनी, तो मतलब आपको डिस्काउंट वगैरह मिला के 8-70 तक ऑन रोड ये गाड़ी पड़ी है ना हरियाणा में? भाई हरियाणा में रजिस्टर कराई है भाई, ठीक है। और भाई ये क्या, इसमें एलॉय जैसे कुछ देखने को लग रहे हैं, बट एलॉय नहीं है ना? हाँ, ये एलॉय नहीं है, ये एलॉय जैसे है बट ये प्लास्टिक के है, और इसको कुछ तो नाम था मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो बट ये अलॉय नहीं है। अच्छा, और इसमें टायर कितने इंचेस का मिलता है? 16 इंची का टायर है। 16 इंचेस का, भाई कितने प्रोफाइल देख लेते हैं इसकी भाई, 195/55R16, भाई टायर बहुत चौड़ा है यार इसमें 16 इंचेस का है ना? हाँ, इसके नीचे वाले मॉडल में R15 था। अच्छा, तो यार 16 में फिर आपको अच्छी ब्रेकिंग वगैरह तो मिलती होगी, ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगी? ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, तो मतलब कोई स्किट लीन तो नहीं लेती गाड़ी? नहीं, कोई है, वैसे बहुत बढ़िया है, और पर्सनली मुझे कलर भी बहुत प्यारा लगा था, मतलब ये स्टेरी नाइट कलर है, और इसको आप कभी ऐसा थोड़ा शाम के टाइम में ऐसा लगता है कि ये ब्लैक कलर है, हाँ, थोड़ा लग रहा है अभी धूप में, ये डार्क ब्लू है, जैसे ब्लेनो का ब्लू आता है ना, उससे भी काफी डार्क ब्लू में है ये, ठीक है। और इसका स्टेरिंग का रिस्पांस के बारे में आप क्या कहोगे, स्टेरिंग का रिस्पांस कैसा लगा? रिस्पांस बहुत बढ़िया, मतलब सॉफ्ट है, कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट, और सस्पेंशन भी अच्छा है। तो ओवरऑल आपने इसमें गाड़ी में पीछे बैठ के देखा, लोग कहते हैं यार पीछे बड़े खड्डे लगते हैं इसमें, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, मेरे साथ था स्टार्टिंग में, मुझे भी खड्डे महसूस हुए थे, बट मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था कि एक बार टायर का प्रेशर चेक करा, तो वो स्टार्टिंग में जो उन्होंने गाड़ी दी थी तब इसका प्रेशर 45 के आसपास, 45। अच्छा अच्छा, तो फिर इसलिए मुझे पता लगा कि हवा ज्यादा, इसलिए हर छोटा छोटा खड्डा भी महसूस दे रहा है। और एक बार मैं ओवरऑल लुक भी दिखा देता हूँ गाड़ी की, भाई स्पोर्ट्स मॉडल में क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको फोग लैंप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे DRLs हैं भाई, LEDs दी हुई हैं कुछ, ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलता यार स्पोर्ट्स मॉडल में, हाइलोजन ही दे रहे हैं भाई, प्रोजेक्टर हेडलैम्प देना चाहिए था यार, ये बहुत बड़ी मुझे एक ड्रॉबैक लगा जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है। और यहाँ पे जो ग्रिल दी हुई है ना यार, ये प्रैनो ब्लैक फिनिश की दी हुई है, तो मैं आपको इस ग्रिल का फायदा बताता हूँ, इस ग्रिल पे ना मिट्टी बहुत कम चिपकती है, क्योंकि ये प्रैनो ब्लैक है, इजिली साफ भी हो जाती है।
और ओवरऑल यहाँ पे हुंडई का लोगो क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। और भाई गाड़ी की लुक देखें ना, जो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ठीक है, जब से यार i20 लॉन्च हुई है, ठीक है, तब से हिट गाड़ी है काफी, तब से हिट गाड़ी, हमारे पास पहले भी i20 है डीजल में। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, भाई ने पहले भी अपनी पुरानी अपनी i20 का रिव्यू दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो भाई देखना चाहते हैं देख लेना। तो उसमें हमने बताया था कि आपको सेकंड हैंड वो लेनी चाहिए, क्योंकि इन भाई ने भी वो i20 सेकंड हैंड ही ली थी, वो डीजल वाली थी, है ना भाई, सबसे फर्स्ट जनरेशन इनके पास थी, अभी भी है शायद, बेच दी और रखी नहीं, अभी भी है डीजल, लोकल चलाने के लिए रखी है। और एक और बात तो भाई, जैसे गाड़ी तो काफी लंबी लग रही है मानशु भाई देखने में, तो ग्राउंड क्लीयरेंस कैसी लगी आपको, कहीं टच वच हो रही है, लोकल चलाने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई पर्सनली। तो अभी आपको ये लंबा रूट मार के आया गाड़ी पे अभी तक एक महीने में? मैं ब्यास तक गया था। कितना लंबा, कितना डिस्टेंस लगा? तो विद फैमिली गए थे, अराउंड 500 किलोमीटर अप एंड डाउन। और विद फैमिली गए थे ना? फैमिली थे, 5 लोग थे और सामान भी था पीछे, फुल लोड। तो फुली लोडेड गाड़ी में कोई लोड वगैरह लिया गाड़ी ने, कोई पिकअप में प्रॉब्लम लगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई ये कापा इंजन का जो इसमें है ना, उसका मतलब परफॉर्मेंस तो ओवरऑल ठीक ही है, मतलब मेरे हिसाब से ग्लेंजा से ज्यादा पिकअप लेता है। पता है क्या रीजन बीइंग, मैंने ऑलरेडी जो चला रखी है वो डीजल से लाई हुई है गाड़ी, ठीक है, आई थिंक वो थी भी ज्यादा सीसी पेट्रोल स्टार्टिंग वो शायद 1.4 है। हाँ 1.4 है, 14 सीसी है, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट इससे ज्यादा है, ये 1200 सीसी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज जैसा एज अ यूजर जिसने पहले एक्सपीरियंस करा होगा उसको महसूस देती है कि हाँ उससे थोड़ी स्लो है, मतलब उससे थोड़ी पिकअप स्लो है। वैसे डीजल में एकदम गाड़ी खींचती है, इसमें थोड़ा सा लैक करती है, बट उतना भी लैक नहीं कि जैसे रिव्यूज में बोलते हैं कि बहुत लैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पर्सनली मुझे मतलब ओवरऑल 5-6 बंदे बैठ के गाड़ी सही उठ रही, गाड़ी सही चलती है, मतलब दब नहीं रही थी, नहीं दब नहीं रही थी। और पीछे के स्पेस के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? अभी हम आए हैं बैठ के, एक बार गाड़ी की चाबी भी मैं आपको दिखा देता हूं। भाई इसमें नॉर्मल की मिलेगी जो सारी गाड़ियों में मिलती है, हुंडई की स्टैंडर्ड की है, ठीक है, पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता। तो भाई गाड़ी को ओपन कर लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, वो अपने आप ओपन हो जाएंगे लॉक को खोलते ही। भाई पीछे बैठ के दिखा दो अगली सीट, भाई अपनी हाइट बता दो हिमांशु भाई पहले, तो अपनी सीट किस हिसाब से एडजस्ट की है? 5'10" के हिसाब से अगली सीट एडजस्ट है ड्राइवर साइड की, देख लो उसके बाद। हाइट एडजस्टेबल भी आगे वाली, अच्छा हाइट एडजस्टेबल भी है, मैग्ना मॉडल में शायद हाइट एडजस्टेबल नहीं है ना। तो भाई देख लो पीछे, देखने में ना पता लग रहा है यार स्पेस अच्छा खासा है, आपको कोई यहाँ पे हैंडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, तीनों हेडरेस्ट जरूर मिल जाएंगे आपको, सेंटर वाला भी दोनों साइड वाले भी। और 60-40 नहीं है भाई सीट, फिक्स है भाई, बैठ के दिखा दो एक बार यार, देखें हाँ। स्पेस कितना है, 5-10 का बंदा जब बैठेगा। अरे भाई इधर इधर ही बैठो क्योंकि वो सीट मैंने काफ़ी पीछे करी हुई थी, ठीक है। तो ये देख लो भाई लेग स्पेस बिल्कुल नॉर्मल है, काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब थोड़ी पीछे भी रखी है, ठीक है। अब ये देख लो आगे का सीट, ठीक है, अच्छी खासी पीछे हुई है, मतलब अच्छा खासा स्पेस आपको दिख रहा होगा आगे, उसके बावजूद भी ठीक है पिछला बंदा कंफर्टेबल बैठा है। एक चीज यार मैं देख के हैरान रह गया, इसमें हेडरूम भी ठीक है यार, मेरे को लगता था पीछे से ऐसे झुकी हुई है गाड़ी, नहीं, 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 पर हेडरूम ठीक है यार, है ना। हाँ। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास भी दिया जिससे काफी एरी फील होता है, पीछे से ना रोशनी आती रहती है, बंदे कोस्टोफोबिक फील नहीं होगा। और इंटीरियर अच्छा जी, रियर एसी वेंट भी दी हुई है, यूएसबी चार्जिंग भी दी हुई है भाई, और यहाँ पे हेडरेस्ट भी दी हुई है ना, हेडरेस्ट आगे वाले हेडरेस्ट दिया हुआ है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, अच्छा थोड़ा स्पेस भी मिला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बोटल होल्डर का स्पेस भी मिल रहा है। और भाई बूट स्पेस के बारे में कुछ बताओ, यहाँ पे तो थोड़ा क्रोम एलिमेंट, ये कंपनी से मिला है या आपने लगवाया? मैंने कुछ नहीं करवाया अब तक, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे अच्छा चढ़वाया, बाकी तो भाई डिग्गी खोल के देख लेते हैं स्पेस कितना। तो हिमांशु भाई स्पेस आपको कैसा लगा? मेरे को तो ठीक लग रहा है यार, काफी स्पेस है यार, इसमें तो आप भी बैठ सकते हो पूरा, ठीक है भाई, काफी स्पेस है मजाक से हटके, ठीक है, तीन बैग तो बड़े बड़े आराम से इसमें इजिली आ जाएंगे, ठीक है। और बैक रेयर लुक की बात करें भाई गाड़ी की, ठीक है, रेयर लुक भी यार मेरे को ना जब इसकी एलईडी जलती है ना रात को तब ज्यादा बड़े ही लगती है, इस टाइम मुझे थोड़ी एवरेज लग रही है ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, पर रात को मेरे को इसकी रेयर लुक अलग ही चमकती है जैसे इसकी एलईडी चलती है। हाँ, और यहाँ पे क्रोम वाला भी ये दिया हुआ है थोड़ा एलिमेंट, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अंदर की बात करते हैं क्या क्या मिलता है भाई, आ जाओ मानसी भाई अंदर आ जाओ गाड़ी के। तो भाई अंदर की बात करें, आगे आपको ऐसा एक बोटल होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सारा हार्ड प्लास्टिक ही है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं दिया हुआ। और भाई इसकी बात करें ना यार, जो अंदर की लुक है तो मेरे को बड़ी एलिगेंट लगती है भाई, ये एकदम सिमिट्री सी बनाई हुई है, एसी वेंट भी एकदम मिक्स ही लगते हैं इसके अंदर, तो अलग से नहीं पता लगेगा कि एसी वेंट दिए हुए हैं। और एक और अच्छी बात इसमें भाई, ये वाला मीटर, तो भाई मीटर देख लो
बड़ा स्पोर्टी मीटर दिया हुआ है भाई, यहाँ पे आरपीएम ये स्पीडोमीटर दिया हुआ है, इस साइड आरपीएम मीटर दिया हुआ है, बीच में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है। और भाई मीटर तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है मानसी भाई इसमें। हाँ मीटर, पर मैं आपको एक जानकारी दूं, इसका बेस मॉडल से आ जाता है। हाँ अब आया वो मैग्ना मॉडल में स्टार्टिंग से, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली मैग्ना मॉडल स्टार्टिंग से था। चलो ये मैग्ना मॉडल में एटलीस्ट ये तो अपडेट हुआ है म्यूजिक सिस्टम। हाँ, ये मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। और मैग्ना मॉडल से भी आपको ये वाला मीटर मिल रहा है, तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है। स्टेयरिंग में देख लो आपको म्यूजिक के कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल पहले से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे पावर विंडोज के बटन वगैरह मिल जाएंगे सारे, और यहाँ पे मिरर को क्लोज करने के लिए ऑटो वाला बटन दिया हुआ है। तो भाई अगर बात करें यार यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मॉडल में, ठीक है, ये नहीं मिला। काफी गाड़ियों में यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट एसी आया था। हाँ, आपको नहीं मिला यार, ऐसा क्यों? वो ना मैंने पता करा था। हाँ। तो इसमें कुछ गाड़ियों में आ रहा था उस टाइम, और कुछ गाड़ियों में नहीं आ रहा था। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पुराना मॉडल मिला या कुछ। मैंने आरसी डेट वगैरह चेक करी थी, तो मैन्युफैक्चरिंग इसी मंथ की थी मेरी, जिस मंथ मैंने बाय करा, ठीक है। बट कुछ गाड़ियों में ये ऑटो क्लाइमेट दे रहे थे, कुछ गाड़ियों में नहीं दे रहे थे। और जब मैं लेने गया तब मुझे इस चीज का पता नहीं था, बट मुझे इस चीज का इतना रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऑटो क्लाइमेट वाला नहीं लिया। वैसे काफी अच्छे फीचर आपको मिल गए इसमें, ओवरऑल पैकेज रेट भी बहुत सही मिल गया आपको। हाँ, 9 लाख के आसपास बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत बेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग केबल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, टाइप सी या यूएसबी वाला डायरेक्ट। यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट दिया और यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट दिया हुआ है। तो हिमांशु भाई अब वीडियो को एंड में मुझे ये बता दो भाई, अगर कोई भाई 2023 में इस गाड़ी को कंसीडर करना चाहता है, क्योंकि यार हैचबैक की मार्केट ना इस टाइम बहुत ही वो चल रही है यार, बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है। क्योंकि यार पंच भी आ गई, पंच भी मतलब आप गिन सकते हो कि इसी सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि 7-8 लाख की पड़ती है, ये भी 8 लाख की पड़ती है बेस मॉडल मैग्ना वाला। इसके जो कंपैरेटिव जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो पंच नहीं है। अच्छा। इसके कॉम्पिटिटर्स में एल्ट्रोज है और ग्लेंजा है, इसके कॉम्पिटिटर में आते हैं, या ग्लैंस और बेरिनो एक ही होगी। फ्रॉन्क्स भी आई है, फ्रॉन्क्स नहीं देखी आपने? मैंने देखी है, बट मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा अभी, ना मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली। तो इन द एंड क्या कहना चाहोगे यार, ये गाड़ी आप प्रेफर करना चाहोगे, लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे, क्या कहते हो आप इस बारे में? गाइस, अगर एवरेज आपका कंसर्न है तो यू मस्ट गो फॉर ग्लेंजा, ठीक है, परफेक्ट ऑप्शन। बजट में गाड़ी है, सब कुछ है, ग्लेंजा जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए थोड़ी सी एनकैप रेटिंग पे, अगर आप थोड़े से इस तरीके के लोग हो, जैसे जो टाटा की तरफ से, टाटा की सेफ्टी भी चाहते हैं और मारुति की एवरेज चाहते हैं, मारुति की एवरेज अच्छी है, टाटा की सेफ्टी अच्छी है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं एक बीच की गाड़ी लूं, क्योंकि मुझे मारुति के अंदर का प्रीमियम फील नहीं आया था, इसमें थोड़ा प्रीमियम फील आता है, ये तो है, है ना, बिल्कुल है। और टाटा की गाड़ी, टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, अब मुझे जो लगा, मैंने बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सी कॉम्प्रोमाइज करी और मैं आ गया i20 पे, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी की 3-स्टार एनकैप रेटिंग है, उनकी 4 या 5, एल्ट्रोस की 5 थी और पंच की आई थिंक 9 अडल्ट में 5 है और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 4 है। तो सेफ्टी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा, i20 पे आ गया, और एवरेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा और i20 पे आ गया, क्योंकि मारुति की एवरेज अच्छी थी और उसकी सेफ्टी। एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज कितनी दे रही है हाईवे पे और लोकल दोनों बता। इसकी हाईवे जब मैं अमृतसर गया था तब मैंने इसकी मैक्सिमम 21 तक देखी थी, उससे ज्यादा नहीं देखी थी। अच्छा, 21 मीटर में आई थी, वैसे कितनी दी थी अंदाजा है कुछ? मीटर में ही मैंने चेक करा था, मैंने ऐसे अलग से नहीं चेक करा। अंदाजा कितना लगा आपको कि कितनी देरी होगी? 20-21 तक हाईवे पे। और लोकल में? लोकल में तो 12-13 देती है बस। ये फर्क ज्यादा है, काफी फर्क है, ठीक है यार। एवरेज तो काफी कम है वैसे, हाईवे एवरेज कम है, लोकल के हिसाब से कम है, हाईवे पे ठीक है। चलो भाई, ये था एक हमारा छोटा सा रिव्यू भाई i20 के बारे में। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।